बहुत स्वागत है। लगता है कहीं से कहीं के लिए आप निकल चुके हैं, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि आपकी पूरी पार्टी ताकत झोंक रही है विपक्षी नेताओं को रोकने में। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी क्या बनी? अडानी अंबानी पर सवाल क्या पूछिए आपने? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई को लगा दिया है, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपका जवाब। अंजना जी, मैं ये कह रहा था कि आज अरविंद केजरीवाल जी को जो सम्मान हुआ है वो कुछ नया नहीं है। जब आप फेस टाइम वीडियो पे आकर के 100 करोड़ रुपए किसी को देने के लिए बोलते हैं और ये कहते हैं कि मेरा खास है इसको बोल दो, एक व्यक्ति जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन करता हुआ आया हो वो 100 करोड़ रुपया फेस टाइम वीडियो पे मांगता दिलाता हो, इसके बाद भी वो अपेक्षा करे कि इस देश की संस्थाएं उसको कुछ नहीं कहेंगी, करने की छूट दे देंगी, तो ये भारत के वर्तमान में तो नहीं हो सकता जहां करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है। रही बात जो आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाषा सुनिए, अरविंद केजरीवाल ने ये पहले बोला, मोदी जी के लिए बोला, हिंडनबर्ग के लिए बोला, इसलिए ऐसा हुआ है। संजय सिंह, आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस देश की नागरिकों को, या इस देश की मीडिया को, या इस देश के अन्य नेताओं को, या इस देश की एजेंसी को? आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि अगर सांच है तो आंच आई नहीं सकती, अगर गलत है तो कोई बचा नहीं सकता। अगर डिप्टी सीएम अपराध करता हो और मुख्यमंत्री को पता नहीं, ऐसा तो दिल्ली की प्रत्येक जनता हमसे पूछ रही है, हम जहां जहां जा रहे हैं कि भाई जब इनका मनीष सिसोदिया करप्शन में लिप्त है तो कैसे नहीं पता होगा अरविंद केजरीवाल जी को? जी हाँ, सवाल सही है, पता है उनको। उनका एक सत्येंद्र जैन 11 महीना से उसको बेल भी नहीं मिलती है। क्या कोर्ट बीजेपी है? क्या मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलना, उनके विजय नायर को? ये सारे इतने बड़े भ्रष्टाचारी लोग क्या ये अरविंद केजरीवाल से बाहर थे? और आज ये जो समन आया है, अभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तो समन आया है, लेकिन उसके बाद जो बेचैनी दिख रही है, ये बेचैनी बता रही है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर बेईमान व्यक्ति है और उसने दिल्ली की जनता के आंखों में धूल झोंक कर दिल्ली के खजाने का बहुत नुकसान किया है। मनोज जी, मेरा सवाल सुनिए। अभी अगर मैंने सही सुना तो आपने कहा कि जी फेस टाइम वीडियो कॉल पर समीर महेंद्रू से 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने मांगे जब विजय नायर ने बात कराई, तो ये कह रहे हैं आप? जी, ये तो सारा पहले से साक्ष्य आ चुका है, वो सारी व्हाट्सएप चैट रिट्रीव हो चुकी है। अब इसके बाद अगर आप ये सोचते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि नहीं नहीं इस देश की एजेंसी आपको ये सारे करप्शन करने दे क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई हमारे संविधान में व्यवस्था है। जो अपराध करेगा उसको इन जांच का, इन पूछताछ का, और दोषी पाया गया तो सजा का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मनोज जी, हम लोगों ने, हमें जो जानकारी सूत्रों से मिली उसमें ये तो जरूर बताया गया है कि एक फेस टाइम वीडियो कॉल है जिसमें समीर महेंद्रू से अरविंद केजरीवाल की बात कराई विजय नायर ने, लेकिन ये 100 करोड़ मांगा, ये जानकारी आपको कहां से आई है और किस व्हाट्सएप चैट का जिक्र कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं जो सीबीआई की इंक्वायरी में जो बातें, ये तो पब्लिक डोमेन में है अंजना जी, कि उन्होंने फेस टाइम वीडियो पे ये समीर महेंद्रू से 100 करोड़ रुपए विजय नायर को दिलवाए, ये मेरा बहुत खास व्यक्ति है, आप इस पे विश्वास कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आई हैं। और नई जो चीजें आई हैं वो भी सुनिए। अभी हमें कुछ छंती समाचार मिल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल 15 किलो घी की बात कर रहे हैं, इनको 15 किलो घी दिया जाए। ये कौन सी भाषा है? कौन से घी की आवश्यकता पड़ गई है अरविंद केजरीवाल को, जो फोन मिटाने की कोशिश पड़ गई, जो फोन को जलाने की कोशिश करनी पड़ी जी। उसके बाद पाप जो होता है वो छुपता नहीं है, कुछ आ रहा है। हमारा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली को लूटा है वो दिल्ली के लोग भी उसका हिसाब करना चाहते हैं, कानून तो करेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।